नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं मनी गुरु। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश तो कभी भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन म्यूचुअल फंड में निकासी या रिडम्पशन सोच समझकर ही आपको करना होगा। कितनी मुश्किल है ये निकासी, उससे बाहर निकलना, रिडम्पशन कितना मुश्किल है या कितना आसान है, इसको लेकर जो तमाम तरह के सवाल हैं वो आपके जहन में होंगे। कब आपको निकासी करनी चाहिए, कब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो आपको निवेश रिडीम करने से पहले बातें देखनी चाहिए उनको बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर फंड में नेगेटिव रिटर्न है तो आपको क्या अपना निवेश निकाल लेना चाहिए, बने रहना चाहिए। तमाम सवालों का जवाब देंगे आज मनी गुरु में। और इसके लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं इन्वेस्ट आज फॉर कल के फाउंडर अनंत लड़ा साहब। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि म्यूचुअल फंड, जैसा कि मैं कह भी रहा था कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना तो बहुत आसान है, लेकिन निकासी कितनी मुश्किल है। लेकिन उससे पहले आज के शो में क्या कुछ खास है ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश रिडीम करने का राइट टाइम कब, ये है आज का हमारा पहला सवाल या पहला बिंदु जिसके इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा, निवेश रिडीम करने से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये भी हम आज के शो में बताने की कोशिश करेंगे। फंड से अगर लगातार रिटर्न नेगेटिव है तो फिर क्या रिडीम कर लेना है निवेश, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और पोर्टफोलियो को रिव्यू कब और कैसे करना है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे आज के शो में। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आज के मेहमान अनंत जी के पास और अनंत जी से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि मैं बता रहा था अनंत जी, म्यूचुअल फंड में घुसना तो आसान है, निवेश करना बड़ा आसान है, लेकिन निकासी क्या वाकई में टेढ़ी खीर है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं इसके लिए। देखिए, अभी तक हम ना हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने बहुत बात कर भी रखी है। हम सभी को पता है हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें मार्केट के उतार चढ़ाव को छोड़ते हुए रेगुलरली अपने गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता रहना चाहिए, ये सभी को पता है। पर एक्चुअली रिडम्पशन का जब बात आती है, क्योंकि ये रिडम्पशन का एक्शन ना बहुत फ्रीक्वेंटली हम लेते नहीं है, इसलिए हम उससे कंफर्टेबल भी नहीं होते। तो इसके ऊपर बात करना और बारीकियों से पॉइंट बाय पॉइंट जाके समझना कि कब कब हमें रिडम्पशन की रिक्वायरमेंट है, आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ऐसा डिसीजन है जो नेचुरल डिसीजन से हमारे थोड़ा सा अलग है, तो हमें इसको डिटेल में समझना जरूरी होगा। ऑलराइट, अच्छा ट्रिगर क्या क्या होने चाहिए सर? मसलन अगर किसी फंड के एसेट एलोकेशन में बदलाव होता है मान लीजिए, या फिर फंड की स्ट्रेटजी बदलती है, तो क्या ये निकासी के लिए एक ट्रिगर होना चाहिए? देखिए सर, टोटल ना 5 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिडम्पशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि जिस भी गोल के लिए आपने निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, वो गोल अब आने वाले 2 से 3 सालों में आपका मैच्योर होने वाला है। तो जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जब गोल सामने है, धीरे धीरे आपको अपना पैसा रिडीम करके लिक्विड या डेट में पार्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि बाय चांस मार्केट वोलेटाइल भी हुआ तो क्या दिक्कत है, हमारा गोल 2-3 साल शिफ्ट कर देंगे। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जिसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों के एजुकेशन का गोल, उसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा जब भी आपका गोल आने वाले 2 से 3 साल में ड्यू होने वाला हो, अपने रिडम्पशन पे या फिर धीरे धीरे लिक्विड या फिर हम डेट फंड में धीरे धीरे शिफ्ट करने का प्लान कर सकते हैं। सेकंड मेन कारण आता है कि सपोज करते हैं आपका गोल था जिसके लिए आपने निवेश किया था, उसमें कुछ चेंज आ गया हो, तो आपको अपने रिडम्पशन में या फिर चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने निवेश तो किया था 10 साल के टाइम होराइजन से, 10 साल बाद आपका गोल था, पर फैमिली में, लाइफ में कुछ ऊपर नीचे इस तरीके की सिचुएशन हो गई कि उस फंड के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली अगले 2 साल में, 2 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, या फिर वो जो लॉन्ग टर्म गोल था वो शॉर्ट टर्म गोल में शिफ्ट हो गया, तो आपको इक्विटी फंड से रिडीम करना पड़ेगा इमीडिएटली, या फिर सिस्टमैटिकली रिडीम करते हुए लिक्विड या डेट में आना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण, जैसा कि सर आपने कहा ना, एग्जैक्टली वही होता है हमारे को रिडम्पशन के लिए प्लान करने का। जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बेसिक एट्रीब्यूट ही चेंज हो गया हो, या फिर उसने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिया हो कंसिस्टेंटली,
बीच बीच में एक आध साल ऊपर नीचे हो गया, इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर कोई कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा हो या फिर उसके एट्रीब्यूट ही चेंज हो गया हो, जैसे कि 2018 में सेबी के नए रूल्स आए थे, उस नए रूल्स के अकॉर्डिंग मल्टी कैप का कंप्लीट फ्रेमवर्क ही चेंज हो गया था। मल्टी कैप के लिए अब कंपलसरी हो गया था कि उन्हें 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये रेगुलेशन आने से पहले यूजुअली हम देखते थे कि लार्ज कैप फंड रफली 70-75% मल्टी कैप फंड लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहते थे, पर इस रूल के बाद 50% आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो जाएगा। अगर ये आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एसेट एलोकेशन। आपने जिस दिन इन्वेस्ट किया था उस दिन तो आपने अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखा था, जो भी आपका एसेट एलोकेशन था अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी। पर मार्केट बढ़ गया सपोज करते, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ है, आपका जो सपोजिटली जो 60% या 65% या 70% इक्विटी का एलोकेशन होना चाहिए था वो बढ़ के 80-85% हो गया, तो आपको रिडीम करना पड़ेगा इक्विटी फंड से और धीरे धीरे डेट में या फिर लिक्विड में पार्क करना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली बुल मार्केट में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड फाइनली यूफोरिया जब आ जाता है मार्केट में, ये जो फाइनल पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। जब मार्केट में यूफोरिया की सिचुएशन होती है, जैसे कि ग्रोथ स्टोरीज आपको मार्केट में ज्यादा मिल रही है, पर जितनी भी ग्रोथ स्टोरीज की बात कर रहे हैं मार्केट में वो सपोर्टेड बाय अर्निंग नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा हमें क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है जो क्वालिटी से सपोर्टेड नहीं है, या पेनी स्टॉक्स में आपको बहुत ज्यादा राइज देखने को मिल रहा है, या फिर सिस्टमैटिकली आपने देखा है कि पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छी रैली आ गई है, आप एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर है, एक सीजनड इन्वेस्टर है, आपको इन्वेस्ट करते हुए 3-4 साल 5 साल हो चुके हैं, आप कुछ अमाउंट को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे और वापस से सिस्टमैटिकली प्लान करना चाहे तो इस चीज पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये 5 मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको रिडेम्पशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा और बारीकी से आप जो आखिरी पॉइंट है ना सर उसको समझाएं, क्योंकि मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने निवेश किया है वो लगातार रिटर्न दे रहा है, तो एक उहापोह की स्थिति हो जाती है मन में कि क्या ये एक ट्रिगर है कि निवेश को रिडीम करने की एक सही वजह हो सकती है लगातार रिटर्न्स मिलना। सर लगातार रिटर्न्स मिलने की हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, जैसे हम SIP में बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका बेनिफिट होता है जब मार्केट टूटता है आप अपनी एवरेजिंग डाउन करते जाते हैं, और जब आप एक्चुअली अच्छे मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको घर ले जाना है, आपको वापस से हो सकता है लिक्विड फंड में पार्क करके धीरे धीरे STP में पार्क करना है या फिर अपनी SIPs का अमाउंट बढ़ाना है, तो या फिर ये एवरेज अप होते वक्त थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो जो प्रॉफिट आपको सिर्फ बुक्स में दिख रहा है उसे आप थोड़ा बुक भी कर लेते हैं। ये हर किसी इन्वेस्टर के लिए नहीं है, पर एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर जो मार्केट को समझता है इस चीज के लिए रेडी है कि बाय चांस मेरे रिडीम करने के बाद भी थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर चले गया, इट इज एब्सोल्युटली ओके, मेरे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो मेरे फेवर में है, मैं वापस से इस मनी को जो मैंने रिडीम किया उसको पार्क करने के लिए रेडी हूं। उनके लिए है कि वो एक टैक्टिकल कॉल ले सकते हैं जब मार्केट में यूफोरिया सा एक बहुत ज्यादा पैनिक बाइंग हो रही हो, उस समय थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी जाए, इट इज एब्सोल्युटली ओके। अच्छा इसी से जुड़ा हुआ ही है जो आप कह रहे हैं, अगर मुझे किसी फंड में माना मुझे निवेश रोक देना है तो क्या पूरी तरह से रिडीम कर देना ही एक विकल्प है या फिर पुराना निवेश जो है उसको छोड़कर रख दें हम? इसमें ना सर म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि जो कॉम्बिनेशन आप माइंड में सोच सकते हैं म्यूचुअल फंड आपको वो कॉम्बिनेशन अलाउ कर देता है। आप ये चाहते हैं कि जो मेरा नई SIPs है वो जाना इस फंड में बंद हो जाए, पुराना फंड मेरा इन्वेस्टेड रह जाए, म्यूचुअल फंड कहता है आप ये कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो पुराना फंड आपका इन्वेस्टेड है उसमें से आप थोड़ा बहुत 20-30% रिडीम करना चाहते हैं, बाकी आपका इन्वेस्टेड रहे, म्यूचुअल फंड कहता है भाई आप ये कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मुझे SIP भी रोकनी है और पूरा का पूरा फंड रिडीम भी करना है, ये भी अलाउ हो जाएगा। जो कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो म्यूचुअल फंड आपको वो कॉम्बिनेशन अलाउ कर देगा। अच्छा अब मैं आपने हालांकि थोड़ा थोड़ा इसको टच जरूर किया है दोनों मुद्दों को, लेकिन मैं थोड़ा अलग अलग बारीकी से समझना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड आदमी दो स्थिति में होता है, एक तो मार्केट बहुत शानदार है अप है और दूसरा मार्केट डाउन है। पहले डाउन की बात कर लेते हैं, अगर मार्केट डाउन है उस समय मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे अपने म्यूचुअल फंड को लेके, क्या मैं निकल जाऊं, क्या मैं रुकूं, क्या मैं इसको एवरेज कर दूं, बहुत सारे उस समय एक सही नतीजे पर पहुंचना कैसे पहुंचा जाए एक सही नतीजे पर अगर मार्केट डाउन है तो? सर जब मार्केट डाउन है ना आपको अपने गोल प्लानिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको देखिए पैनिक होना, थोड़ा सा पैनिक सेलिंग करना, मार्केट में जब एक्चुअली भाग लेने का इन्वेस्टमेंट करने का समय आता है उस समय मार्केट से भाग जाने की इच्छा बहुत करती है क्योंकि मार्केट में हमें थोड़ा सा पैनिक दिख रहा होता है, उस समय आपको अपनी गोल प्लानिंग और बेसिक्स पे चले जाना है।
अगर आपका गोल आने वाले 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल नहीं है तो अननेसेसरी पैनिक करके रिडीम करने में आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको उस समय, वैसे देखा जाए ना, पैसा एक्चुअली बियर मार्केट में बनता है। जब बुरे समय में आप ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी अच्छे समय में आप अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स देख पाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब आप गोल अपने सामने रखेंगे ना, आप हमेशा एक इमोशनली अटैच हो जाएंगे। इमोशन जो अभी तक आपके अगेंस्ट काम कर रहा था, जैसे आप गोल से मैप करते वो आपके फेवर में काम करेगा। आपकी इच्छा होगी कि आप थोड़ा सा फंड रिडीम कर लें, पर आपके दिमाग में आएगा कि यार मैंने अगर अपने बच्चे के जो रिटायरमेंट, बच्चे की एजुकेशन की या बच्चे की शादी का फंड रिडीम किया तो मैं घर में जाके रात में अपने बच्चे की आंख में कैसे देखूंगा। मैंने वेकेशन का फंड अगर रिडीम कर लिया जो 5 साल बाद मैंने वाइफ को कमिट किया है, तो वाइफ मुझे कुछ पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगा। तो आप गोल से कहीं ना कहीं मैप हो जाते हैं। जो आप गोल से मैप हो जाते हैं तो आप पैनिक सेलिंग करने से बच जाते हैं। साथ ही साथ एक रूल जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, अगर आपको कभी भी ये दिखे कि आपका पोर्टफोलियो में किसी भी कारण से 25% के नेगेटिव रिटर्न्स आ चुके हैं, 25% के ऊपर के नेगेटिव रिटर्न्स आ चुके हैं, जब तक वो रिटर्न्स नॉर्मलाइज नहीं हो जाते आपको अपने SIP का अमाउंट डबल कर देना है। हो सकता है कई बार जो बियर मार्केट है या बुरा मार्केट है थोड़ा सा लंबा चल जाए, पर बुरे समय में अगर आपकी सिचुएशन, अगर आपका कैश फ्लो अलाउ करता है, आपने SIP डबल कर दी, तो आप एक्चुअली ज्यादा यूनिट्स बाय करते जाओगे। और जब एक्चुअली अच्छा समय आएगा उस समय आपको वापस से मिल जाएगा मौका प्रॉफिट बुकिंग का, और आप आराम से एंजॉय भी कर पाओगे। जो प्रॉफिट आपको बुक्स में दिख रहा है उससे आप बुक भी कर पाओगे, प्लस जिस समय थोड़ा सा पैनिक हो रहा होगा आप अपने गोल से मैप भी रहोगे। ठीक है सर, ये तो जिस समय पैनिक की सिचुएशन होती है उस समय के लिए आपने बड़े शानदार टिप्स दिए हैं। मन को काबू में रखना है, समझना है कि हमारे गोल्स क्या हैं, लेकिन मार्केट भाग रहा है शानदार तरीके से, तो उस समय कंफ्यूजन के साथ साथ लालच भी हावी हो जाता है, तो उस समय भी मन करता है कि चलो अब निकल लें, तो उस समय क्या करना चाहिए सर? सर उस समय देखिए, अगर आप एक सीजनड इन्वेस्टर है, आपको 3 साल 5 साल इन्वेस्ट करते हुए हो गया है, आपका पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स, देखिए म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में हमेशा एक्स में बात करूंगा, 1x 2x 3x, आपका पैसा 1 गुना 2 गुना 3 गुना हो चुका है, आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, इट इज ओके। पर आप सोचिए कि आप पूरा का पूरा मार्केट से बाहर हो जाएंगे और जैसी मार्केट का टॉप होगा आप बाहर हो जाएंगे और बॉटम पे एंट्री ले लेंगे, वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन ही होता है जब आप बहुत ज्यादा वेटिंग गेम करते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना इज डिफरेंट थिंग, वेट ही करते जाना या फिर बहुत ज्यादा पैनिक बाइंग कर देना, दोनों ही आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब बढ़ रहा है मार्केट ना, उस समय आप इन्वेस्ट करें ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा और माइंड में मेंटेन करिएगा, सपोज जो मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया है 4 साल बाद उसके रिटर्न्स अगर मुझे 0 या FD से कम मिलते हैं या फिर नेगेटिव मिलते हैं, मेरा रिएक्शन क्या होगा? अगर आप उस समय भी काम रहेंगे और अपने गोल पे बने रहेंगे तो आपको निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट चाहे बढ़ रहा हो, आप धीरे धीरे अपनी SIPs, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, कभी कुछ हमें बोनस मिल गया तो वो इन्वेस्टमेंट करना आप प्लान कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मार्केट में 4 साल तक मुझे रिटर्न नहीं मिला, मैं FD से कंपेयर करूंगा और फिर बोलूंगा कि यार इससे अच्छा तो मैं FD कर लेता, तो अपना एसेट एलोकेशन थोड़ा सा डिफेंसिव रख लीजिए। आप डेट फंड यूज कर सकते हैं, लिक्विड फंड यूज कर सकते हैं, आप गोल्ड फंड यूज कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड आपको हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। जैसी आपकी रिस्क एपेटाइट हो, जैसी आपकी सुटेबिलिटी हो, जैसा आपका माइंडसेट हो, वैसे आप अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करिए और मार्केट की इस राइड को एंजॉय कीजिए। अच्छा सर, इसमें टैक्स का भी कुछ चक्कर होता है क्या? माना मैंने जल्दी निकाल लिया निश्चित अवधि से पहले, या जो मैंने टारगेट सेट करके रखे हुए हैं, तो मुझे टैक्स कब कब लगेगा? डेट या इक्विटी दोनों का जरा बता दीजिए। सर सबसे पहले अगर हम इक्विटी की बात करें, 1 साल से कम जो भी हम रिडीम करते हैं वो सारा का सारा शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म टैक्सेशन में आ जाता है। वहां पे आपको फ्लैट टैक्स लगेगा, वहां पे कोई मतलब नहीं होता, आपको कोई स्लैब या फ्री रेट नहीं मिलने वाली, आपको फ्लैट टैक्स लगने वाला है 15% का। अगर आप कोई सा भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में 1 साल के बाद रिडीम करते हैं, आपको फ्लैट टैक्स लगता है 10% का, और पहला 1 लाख का गेन आपके लिए फ्री हो जाता है। इक्विटी में ऑल इन ऑल ये ध्यान रखिए कि मिनिमम 1 साल तो आप इन्वेस्टेड रहे, चाहे आपको कितनी भी दिक्कत आ गई। देखिए कुछ एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, घर में ही कुछ हो गया जिसके लिए आप रिडीम कर रहे हैं, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, पैसा हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। पर नॉर्मल सिचुएशन में एटलीस्ट आपको 1 साल के बाद रिडीम करना चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूजन यूजली ये होता है कि देखो मैंने SIP 1 साल पहले स्टार्ट करी थी, 1 साल बाद मैं रिडीम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आपकी SIP की इंस्टॉलमेंट जाती है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP का, उस दिन से लेके वो 1 साल काउंट होगा। जो आपकी जनवरी 2022 की SIP इंस्टॉलमेंट हिट होगी, SIP इन्वेस्टमेंट हिट होगा, वो अगले साल 1 साल बाद एग्जैक्टली आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। डेट में बात करें, 3 साल से नीचे हर कुछ आपका शॉर्ट टर्म डेट होता है। वहां पे जिस तरीके से आपका FD में टैक्स लगता है, वैसे ही आपको डेट में या लिक्विड में टैक्स लगेगा। जो भी आपका गेन होगा आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। आप अगर
30% के ऊपर की स्लैब में आते हैं तो वैसा ही रेट हो जाएगी। अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं डेट फंड को या फिर इवन लिक्विड फंड को, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। मतलब क्या होता है, जितने भी साल आपने डेट फंड को होल्ड किया, इन्फ्लेशन का CII इंडेक्स नंबर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस रेट के बेसिस पे आपकी बेस इफेक्ट कॉस्ट पड़ जाती है। ये सेम इंडेक्सेशन बेनिफिट है जो आपको प्रॉपर्टी में मिलता है, जिसकी वजह से आपको एक्चुअली इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न एज कंपेयर टू FD या फिर सेविंग बैंक अकाउंट आपके लिए काफी ज्यादा हो जाता है। सो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सर, लक्ष्य मेरा करीब है, अब ये इस करीब की अवधि में क्या लेके चलूं? माना मैंने 5 साल का लक्ष्य लेके मैं चल रहा हूं और लक्ष्य के करीब मैं रिटर्न वाइज तो हूं, समय वाइज नहीं हूं। माना मेरा रिटर्न का लक्ष्य अगर 15 लाख का है तो मैं उसके करीब पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी समय है मेरे टाइम वाइज उसको पूरा होने में। तो लक्ष्य के करीब की अवधि और उस समय के हम जो डिसीजन लेते हैं उन्हें कैसे तय करें, कब माना जाए कि मैं लक्ष्य के करीब हूं? जब आपका लक्ष्य आने वाले 3 सालों में ड्यू हो रहा हो तो आप लक्ष्य के करीब जा चुके हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर कई बार ये प्लान कर सकते हैं कि 3 साल से लेकर 2 साल जब बचता है, अगले 1 साल में धीरे धीरे वो अपना रिडम्पशन या फिर स्विच करेंगे लिक्विड फंड्स में या डेट फंड्स में। नॉर्मल इन्वेस्टर चाहे तो 3 साल जैसे ही ड्यू होता है, अगले 3 साल में आपका लक्ष्य है, आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग पे या फिर ध्यान लगा सकते हैं जब भी आपको मौका मिले एटलीस्ट इक्विटी का एक्सपोजर उस पर्टिकुलर गोल के जो भी इन्वेस्टमेंट था उसे कम करना स्टार्ट कीजिए। ओवरऑल आप 3 साल का ले सकते हैं, जब आपके लक्ष्य को सिर्फ 3 साल बचे हो आप अपने लक्ष्य के पास जा चुके हैं। ओके अच्छा सर, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या रिव्यू कब करना चाहिए, कब सही टाइम होता है? सर ये तो ना बहुत मजेदार क्वेश्चन आपने पूछा है, और ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आंसर ढूंढते रहते हैं बट उनके पास एक फिक्स आंसर नहीं होता। आज अपन एक कोशिश करते हैं कि 2 फिक्स क्राइटेरिया दे दे जिस समय आपको हमेशा रिव्यू करना है। सबसे पहले आपका एनुअल एक बार रिव्यू होना चाहिए। आप चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बर्थडे पे या फिर आपके एनिवर्सरी पे, कोई सी भी एक डेट डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, एवरी ईयर आपका एक बार रिव्यू होना चाहिए। सेकंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, या तो मार्केट बहुत अचानक से क्रैश हो गया हो या फिर आपकी लाइफ में कोई इवेंट हो गया हो या मार्केट पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दे दिया हो, आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी हो जिसके हिसाब से आपके गोल ही चेंज हो गए हो, तब आपको एक बार वापस से रिव्यू कर लेना चाहिए। तो ये 2 मेन क्राइटेरिया होते हैं, एनुअली एक बार तो होना ही चाहिए। सेकंड होता है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, हमें डेली सुबह उठ के अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। साल में अगर हम एक बार इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन 2 बार भी रिव्यू करते हैं, इट इज मोर देन इनफ। कई लोग हमसे पूछते हैं, एक तो रिडम्पशन हुआ, दूसरा STP भी होता है, तो ये STP क्या है और रिडम्पशन से किस तरह से अलग है? देखिए, इन्वेस्टमेंट की हर एक टर्म को जिसमें भी आपको कंफ्यूजन होना उसे थोड़ा सा हिंदी में शिफ्ट कीजिए, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ट्रांसफर मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। सिस्टमैटिकली मतलब कोई एक प्रोसेस एक रेगुलर सिस्टम के बेसिस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान मतलब कि जब भी आप एक पर्टिकुलर इक्विटी या फिर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से अपने पैसे को सिस्टमैटिकली धीरे धीरे एवरी मंथ एक दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर रहे हैं। हो सकता है आप धीरे धीरे अपने इक्विटी फंड से लिक्विड या डेट में ट्रांसफर कर रहे हैं बिकॉज आपका गोल पास में आ गया है, या फिर हो सकता है कि आप अपने लिक्विड या डेट फंड से धीरे धीरे इक्विटी में शिफ्ट कर रहे हो बिकॉज आपके पास लमसम एक पूंजी पैसा था जिसको आपने लिक्विड में पार्क किया और धीरे धीरे इक्विटी में आप एलोकेशन अपना बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हो गया STP, एक जगह से एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करना। रिडम्पशन, आप कुछ पैसा रिडीम कर रहे हैं, अपने घर पे लेके जा रहे हैं, वो आपका रिडम्पशन। आनंद जी, एक हो गया SIP, एक हो गया STP और एक SWP भी होता है सर, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, वो क्या होता है? सर SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जब आप सिस्टमैटिकली एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां से इन्वेस्ट करेंगे, यूजुअली आपके बैंक अकाउंट से सीधा इन्वेस्टमेंट जाता जाएगा। STP एक प्लान से दूसरे प्लान में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्लान कोई से भी हो सकते हैं। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जब आप सिस्टमैटिकली एवरी मंथ या एवरी ड्यूरेशन के बेसिस पे जो भी आप डिसाइड करेंगे अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्कीम से, वो SWP हो गया। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद लड़ा जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों की तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आसान भाषा में आपने रिडम्पशन की तमाम बारीकियों को समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।